नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज हम जो लेक्चर लेकर के उपस्थित हैं आप लोगों के सम्मुख, वह है हमारा आज का लेक्चर लाइकेन। लाइकेन पर प्रैक्टिस सेट भी होने वाला है और लाइकेन पर एक छोटा सा लेक्चर भी होने वाला है। तो चलिए, वीडियो को फटाफट शेयर करिए और जुड़ जाइए। आज थोड़ा संख्या बढ़ा दीजिए। देखिए, मैं थोड़ा सा चेंजेस किया हूं, तो आप भी कुछ चेंजेस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लाइकेन के बारे में, लाइकेन से संबंधित कुछ पॉइंट्स। आखिर ये क्या, कौन से पॉइंट्स हैं, फिर देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट। तो ये रहे दोस्त, हम आपको बता दें आज के लाइकेन पर संबंधित जो पॉइंट्स हैं। देखिए, लाइकेन सबसे पहले यहां देख लिया जाए, 5 मिनट की बात है, 5 मिनट देख लिया जाए, फिर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। देखिए, कह रहा लाइकेन क्या कहते हैं। लाइकेन को कहते हैं सैक, सैक कहें या इसी को कहते हैं सैवाक। क्या कहते हैं दोस्त, इसे कहते हैं सैवाक भी कहते हैं, ठीक है। तो सैक कह दीजिए, सैक दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो सै और एक क, मतलब ये इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो घटक होते हैं सैवाक में, ठीक है, या सैक में कह दीजिए। सै से क्या सैवाल और क से क्या कवक, ठीक है। तो सैवाल और कवक दोनों के घटक होते हैं, दोनों के पहले पहले अक्षर लेकर के इसको हिंदी में कह दिया सैक, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात ये कि टर्म जो लाइकेन है, टर्म लाइकेन है किसने दिया। तो जो टर्म लाइकेन है यह दिया थियोफ्रास्टस ने। किसने दिया, थियोफ्रास्टस ने। हर पॉइंट को आप देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। थियोफ्रास्टस ने, और स्टडी ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड लाइकेनोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। और लाइकेन डिस्कवर्ड बाय तुलसानी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइकेन की खोज किया था, तुलसाने कह दीजिए या तुलसानी ने किया था, इसकी खोज किया था। किसकी दोस्त, लाइकेन की, ठीक है। चलिए, और देखिए अभी तक इसके बारे में लगभग इसकी जो जातियां हैं 400 स्पीसीज ज्ञात हैं, ठीक है। और कहीं कहीं दूसरी जगह बुक्स में आपको मिल जाएंगे, थोड़ा आगे पीछे दो चार इधर उधर, तो उसके लिए आप नहीं घबराइएगा। मोस्टली कितने हैं, 400 स्पीसीज। और फादर ऑफ इंडियन लाइकेनोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन लाइकेनोलॉजी, भारतीय लाइकेन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है डीडी अवस्थी को। किसको कहा जाता है, डीडी अवस्थी को कहा जाता है। और ये लाइकेन्स क्या होते हैं, लाइकेन देखिए स्लो ग्रोविंग प्लांट्स हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे गति से ये वृद्धि करने वाले पौधे हैं लाइकेन, ठीक है। देखिए, हम आपको बता दें, आप देखे कहाँ होंगे, जैसे आप देखते हैं कहीं कहीं पर जो है कवक तो देख लेते हैं, कुकुरमुत्ता जिसे अपनी भाषा में कहते हैं, सवाल को देख लिए जिसे आप काई कहते हैं, लेकिन एक आप देखते हैं कहीं कहीं लकड़ी पर या लट्ठों पर आप देखते हैं, बिल्कुल थोड़ा कठोर साइज का, एकदम बिल्कुल वैसे ही कवक की ही समान संरचना वाला आप देखते हैं कहीं कहीं पेड़ों पर लटकता हुआ। इसकी 3 कैटेगरीज हैं, तो देखेंगे बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड होता है, उड, ठीक है, हार्ड ही होता है। तो क्या है दोस्त, वो है लाइकेन, ठीक है। स्लो ग्रोविंग प्लांट्स हैं, सबसे धीमी गति से वृद्धि करने वाले ये प्लांट्स हैं। और लाइकेन्स के बारे में आप देखिए, लाइकेन्स क्या है, लाइकेन बराबर हमने लिखा एल्गल कंपोनेंट प्लस फंगल कंपोनेंट, मतलब इसमें सैवाल, सैवाल के भी घटक होते हैं और किसके होते हैं, कवक के भी घटक होते हैं, सैवाल और कवक दोनों के घटक होते हैं। जो सैवाल का घटक होता है, इसके घटक को कहते हैं फाइकोबायंट, ठीक है। इसके घटक को क्या कहते हैं, इसके घटक को कहा जाता है फाइकोबायंट, ठीक है। और जो यहां पर कवक है, कवक के घटक को क्या कहा जाता है, इसके घटक को कहा जाता है माइकोबायंट, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्त, माइकोबायंट कहा जाता है। अब देखिए, और अगली खास बात क्या है कि यहां पर देखिए, ये कहे क्रॉम्बिक, क्या कौन है दोस्त, क्रॉम्बिक, क्रॉम्बिक गेव द मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस फॉर दिस एसोसिएशन, मतलब इनमें जो संबंध होता है कवक और सैवाल के घटकों के बीच में, उसके संबंध के संबंध में ये क्रॉम्बी ने क्या एक टर्म दिया, कहा कि मास्टर और स्लेव यानी एक मालिक और दास की तरह ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। और यहीं पर दूसरी भाषा में इसको कहा जाए तो आल्सो कॉल्ड हस्बैंड एंड वाइफ एसोसिएशन, मतलब इसे हस्बैंड एंड वाइफ एसोसिएशन भी कहते हैं, दुल्हा दुल्हन का संबंध कह दीजिए या पति पत्नी का संबंध भी एक तरह से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और ये घटना, ये फिनामेना संबंधित है, इसके लिए एक टर्म यूज किया गया, क्या यूज किया गया, हिलोटिज्म, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिलोटिज्म, ठीक है। चलिए, अगली खास बात क्या है, इसमें अगली खास बात क्या है उसको भी देख लिया जाए। देखिए, अगली खास बात क्या है भाई, बिल्कुल आप लोग वीडियो को शेयर करिए तो मजा आ जाए। देखिए कैसे मजा आता है, ठीक है, थोड़ा मैंने परिवर्तन किया, थोड़ा आप भी परिवर्तन करें, ठीक है। देखिए, क्लासिफिकेशन के बारे में, लाइकेन का अगर क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो जो लाइकेन का क्लासिफिकेशन, देखिए 3 सबसे पहले इस भाग में डिवाइड किया गया, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर, यानी फंगल पार्टनर के आधार पर इसको कितने भाग में बांट, ये फंगल पार्टनर के आधार पर बांट दिया, एक तो लाइकेन थैलस के आधार पर बांट दिया, एक एनाटॉमी ऑफ थैलस के आधार पर बांट दिया, 3 इसके आधार लिए गए, एनाटॉमी ऑफ थैलस और लाइकेन थैलस और एक क्या फंगल पार्टनर
पार्टनर के आधार पर, ठीक है। तो जो फंगल पार्टनर के आधार पर बांटा गया तो दो भाग में बांट दिया गया। कौन कौन से हैं दो भाग? एक है एस्कोलाइकेन और दूसरा होता है बेसिडियोलाइकेन। तो जो एस्कोलाइकेन होता है, एस्कोलाइकेन इसमें एस्कोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं, इसमें बेसिडियोलाइकेन में कवक के बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं, ठीक है। जबकि आप जानते हैं कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, कवक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एस्कोलाइकेन में जो है इसे भी दो भाग में बांट दिया, जिम्नोकार्पियाई और पायरिनोकार्पियाई। जिम्नोकार्पियाई की विशेषता क्या है कि इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है जिम्नोकार्पियाई के अंतर्गत, उसकी फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम टाइप की होती है। किस टाइप की? एपोथीसियम टाइप की। जबकि पायरिनोकार्पी में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो होती है पेरिथीसियम प्रकार की, ठीक है, पेरिथीसियम टाइप की फ्रूटिंग बॉडी होती है। और देखिए लाइकेन जो थैलस है, लाइकेन थैलस के आधार पर इसे देखिए यही ज्यादा आता है, ये ज्यादा आता है, समझ रहे हैं। देखिए लाइकेन थैलस के आधार पर इसे तीन भाग में बांट दिया, एक क्रस्टोज और फोलियोज फ्रक्टिकोज, ठीक है, क्रस्टोज फोलियोज फ्रक्टिकोज तीन भाग में बांट दिया। देखिए क्रस्टोज, क्रस्ट मतलब आप चट्टान समझते हैं, तो बिल्कुल ये ऐसे सतह से जब चिपक जाता है तो इसको आप अलग करिए तो बिल्कुल अलग नहीं होगा, मतलब नुच जाएगा लेकिन अलग नहीं होगा, तो उसे हम कहते हैं क्रस्टोज लाइकेन। इसका एग्जांपल जैसे ग्राफिक लिकेनोरा और राइजोकार्पान, ठीक है, ग्राफिक्स लिकेनोरा और राइजोकार्पान। और फोलियोज लाइकेन, देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा फोलियोज मतलब पत्ती पत्ती की तरह होता है, बिल्कुल चिपका होता है, और इसे अलग करिए ना तो पूरा पूरा ये अलग हो जाता है, समझ रहे हैं, सबस्ट्रेट से। इसका एग्जांपल जैसे परमेलिया, पेल्टिगेरा, फाइसिया, देखिए पी पी पी, ठीक है, ये तीनों पी पी शब्द से हैं, ये क्या फोलियोज लाइकेन के एग्जाम्पल हैं, परमेलिया, पेल्टिगेरा और फाइसिया। और फ्रक्टिकोज जो है, फ्रक्टिकोज में जैसे आप देखिए फ्रक्टिकोज क्या है, ये कहीं पर जो है लटकते हुए पाए जाते हैं, थोड़ा सा झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, वो फ्रक्टिकोज होते हैं, जैसे क्लाइडोनिया और यूसनिया, क्लाइडोनिया और यूसनिया। और देखिए यहाँ पर जो एनाटॉमी ऑफ थैलस के आधार पर देखें तो इसे दो भाग में और बांट दिया गया, होमियो आइसोमेरस और हेट्रोमेरस, ठीक है, होमियो आइसोमेरस और हेट्रोमेरस ये दो भाग में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसमें एल्गल और फंगल दोनों के कंपोनेंट्स जो है समान होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए होमो आइसोमेरस कहते हैं। और हेट्रोमेरस में इसमें जो है इसका जो भाग है, जो एल्गी और फंगस के कंपोनेंट्स होते हैं, उसको पूरे बढ़ जाते हैं, चार भाग में बढ़ जाते हैं। कितने भाग में? चार, अपर कार्टेक्स, एल्गल जोन, मेड्यूला और लोअर कार्टेक्स, चार भाग में बढ़ जाते हैं। तो यह रहा क्लासिफिकेशन। अगर आगे हम बात करें, देखिए इसका आगे हम आपको बता दें, देखिए क्या कह रहा है यहां पर, सम स्पेशल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ लाइकेन थैलस, कुछ लाइकेन थैलस से संबंधित कुछ विशेष प्रकार की संरचनाओं से संबंधित बात कह रहा है। तो क्या है, जैसे कह रहा है कि टर्म है ब्रीदिंग पोर्स इसमें होता है, जो किसमें मदद करता है, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, जो कि किसमें मदद करता है, गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है, गैसी विनिमय में मदद करता है। एक दूसरा है साइफेली, साइफेली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइफेली ये भी एनालॉगस टू स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा जैसे हायर प्लांट में स्टोमेटा होते हैं उसी तरीके से लाइकेन में साइफेली होती है, साइफेली एनालॉगस टू क्या, स्टोमेटा ऑफ द हायर प्लांट, ठीक है। अगला क्या है, स्ट्रक्चर आइसीडिया है और अगला है सिफाइलोडिया। और यहां एक बात और देखिए, जो कुछ जो लाइकेन है जो उगते हैं जहां पर, उसके आधार पर इसको कितने भाग में बांटा, यहां देखिए एक कहलाता है सैक्सिकोलस लाइकेन, सैक्सिकोलस लाइकेन, तो इसको क्या कहेंगे, ये ग्रो ऑन रॉक्स, जब चट्टान पर उगते हैं लाइकेन तो उसे कहते हैं सैक्सिकोलस कहते हैं, क्या कहते हैं, सैक्सिकोलस। और कार्टिकोलस उसे कहते हैं, यानी बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री कहां उगते हैं, यानी पेड़ों की छालों पर उगते हैं, पेड़ों की छालों पर उगते हैं। और एक टेरिकोलस कहलाता है, टेरिकोलस क्या है, टेरिकोलस है जो कहां उगता है, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ क्रस्ट जो अपनी पृथ्वी है उसके एकदम कहां, क्रस्ट पर, एकदम सतह पर, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं, इसमें देख लिया जाए जो प्रश्न शुरू हो रहे हैं आखिर वो प्रश्न कौन है, अब हल कर लिया जाए। एक बार इन प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रश्नों की तरफ देखिए, ये रहा है आज का पहला प्रश्न। अब देखिए दोस्त पहला प्रश्न क्या कर रहा है, फटाफट बिल्कुल, आज देखिए थोड़ा वीडियो लंबी है इसलिए थोड़ा मदद करिए, ऊर्जा आए, ऊर्जा आ गई तो बस इसी तरह चेंजेस होंगे, बिल्कुल मजा आएंगे। देखिए कह रहा है लाइकेन की खोज किसने की, लाइकेन की खोज किसने की, अभी मैंने बताया आपको लाइकेन की खोज किसने किया था, तो बिल्कुल फटाफट कमेंट करिए, लाइकेन की खोज किया था क्या, मेंडल नहीं, लैमार्क नहीं, डार्विन नहीं, किसने किया था, यहां टुलसन लिखा है, टुलसा ने, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। कुछ लोगों की तैयारी तो सुपर डुपर हिट चल रही है और यही बिल्कुल अपना बनाए रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया, लाइकेन जो शब्द है, टर्म लाइकेन वाज
फर्स्ट यूज्ड बाय, टर्म लाइकेन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, शब्द लाइकेन सबसे पहले किसने यूज किया, कह रहा है अरस्तु और डायोस्कोरिडिस, थियोफ्रास्टस और प्लिनी। तो किसने सबसे पहले ये टर्म यूज किया, अभी मैंने बात किया, तो बिल्कुल बताएं किस इसका आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, थियोफ्रास्टस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है अगला प्रश्न, उसको भी देख लिया जाए। कह रहा लाइकेन सहचर है, लाइकेन सहचर है, किसका सहचर है, मतलब देखिए कह रहा लाइकेन एसोसिएशन आप किसके किसके कंपोनेंट से यह मिलकर बना होता है, किसमें कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक है, ऐसा कह रहा है, कह रहा है कवक के साथ शैवाल का, शैवाल के साथ टेरिडोफाइट का और शैवाल के साथ ब्रायोफाइट का उपयुक्त सभी कर फंजाई विथ एल्गी। जी बिल्कुल, यही अभी मैंने बताया कि जो एल्गी प्लस फंजाई, एल्गी प्लस फंजाई इन दोनों का कंपोनेंट से मिलकर के बनाता है क्या, लाइकेन। क्या बनाता है, लाइकेन बनाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवक के साथ शैवाल का, फंजाई विथ एल्गी इज द राइट आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए प्रताप सिंह और व्योमेश्वर और प्रीति अनुरागी और यहां पर हम आपको बता दें महेंद्र सिंह और रंजना, संजना पटेल, पूजा पटेल है ना, और श्रीधर जी, शिव भोले, आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है भाई, बहुत योगदान रहता है, जितना भी हम नाम लें उतना कम हो जाएगा। आप सभी लोगों का, जैसे अभिषेक सिंह भी हैं, आपका भी बड़ा सपोर्ट रहता है। ठीक है, तो सभी लोगों का देखिए नाम सबका ले पाना तो असंभव है, जो सामने आ जाते हैं भाई नाम ले लिया जाता है, तो इसके लिए आप लोग नाराज नहीं होइएगा, क्योंकि देखिए आपको मतलब इस कॉन्टेंट से है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, जब सिलेक्शन हो जाए तो दोस्त आपका नाम ही नाम होगा। ठीक है, तो बिल्कुल नाराज नहीं होइएगा। चलिए देख लिया जाए, इसमें जैसे हम आपको बता दें कर अधिकतर लाइकेंस में कवक सहयोगी सदस्य होता है, अधिकतर लाइकेंस में जो कवक सहयोगी सदस्य होता है वह क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि लाइकेन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एल्गल कंपोनेंट और दूसरा कौन सा, फंगल कंपोनेंट, फंगल कंपोनेंट। तो एल्गल और फंगल, ये हो गया माइकोबायोंट, माइकोबायोंट, और इसे कहते हैं फाइकोबायोंट। क्या कहते हैं, फाइकोबायोंट। तो अब यहां पर कह रहा है जो लाइकेन में अधिकतर कवक का जो सदस्य होता है उसको क्या कहते हैं, देखिए फाइकोबायोंट ये तो कहा जाता है, लेकिन इसको इसमें दो ग्रुप होते हैं, दो क्लास, एक होता है एस्कोमाइस्टिस का सदस्य और बेसिडियोमाइस्टिस, एस्कोलाइक और बेसिडियोमाइस्टिस। तो मोस्टली इसमें कौन होते हैं, माइकोबायोंट जो होते हैं एस्कोमाइस्टिस के सदस्य होते हैं। ठीक है, एस्कोमाइस्टिस के सदस्य होते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, एस्कोमाइस्टिस इज द राइट आंसर, 4 का ए नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है लाइकेन थैलस का शैवाल सहयोगी कवक, अभी तो पूछ लिया कवक का, अब पूछ रहा है शैवाल का सहयोगी कवक कौन कौन सा है। ठीक है, कह रहा है, अभी देखिए फिर से एक बार आप रिपीट कर लीजिए भाई, इसमें क्या लिखना है। ठीक है, एल्गी और एल्गी प्लस फंजाई, अभी मैंने बताया माइकोबायोंट, क्योंकि माइकोलॉजी के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं, माइकोलॉजी से कहेंगे माइकोबायोंट। ठीक है, और इसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, तो फाइकोबायोंट। ठीक है, फाइकोबायोंट। तो कह रहा है शैवाल का जो सहयोगी कवक है उसको क्या कहते हैं भाई, उसको क्या कहते हैं, फाइकोबायोंट। तो 5 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर, जी बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही ही है, इसका आंसर जो होगा फाइकोबायोंट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। अगर संख्या आप लोग मैंने जो बताया उम्मीद किया है उतना आप बढ़ा दिए तो भाई पूछो नहीं, और इसमें 4 चांद लग जाएंगे, 4 चांद लग जाएंगे, और बहुत ही मजा आने वाला है दोस्त। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर भी करते रहिए, वीडियो को फटाफट शेयर करते रहिए। देखिए कह रहा है ऐसा जीव जो कवक और शैवाल की सहजीविता में रहता है क्या कहलाता है, भाई इसमें क्या देर लगाना, क्या देर लगाना, जो कवक और शैवाल की सहजीविता में रहता है आप जान रहे हैं उसे क्या कहते हैं, हम लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेन या सैक। कह रहा साइनोबैक्टीरिया नहीं, माइकोप्लाज्मा नहीं, वायरॉइड्स नहीं, तो सैक इज द राइट आंसर, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइकेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, लाइकेन। ठीक है, चलिए अगली हम प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा निम्न में से कौन एक शैवाल नहीं है। अब कह रहा
भाई इसमें से कौन शैवाल नहीं है, तो पक्का इसमें शैवाल नहीं है तो कवक देना चाहिए, सॉरी नॉट लाइकेन देना चाहिए। लेकिन देख लीजिए क्या है, कह रहा वालवाक्स, वालवाक्स तो एलगी है, क्या है दोस्त ये है एलगी, और कह रहा असिलिटोरिया ये भी क्या है एलगी है असिलिटोरिया, क्लेमाइडोमोनास ये भी एक कोश की बड़ा शैवाल है, ठीक है ये भी है एलगी, ठीक है एलगी, और इस ये क्या है स्पर्जिलस, स्पर्जिलस क्या है भाई स्पर्जिलस है फंजाई, लाइकेन दिया ही नहीं, तो कह रहा है सवाल कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है सी इज द राइट आंसर स्पर्जिलस, इसका राइट आंसर क्या हो गया स्पर्जिलस। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ, कह रहा है चट्टानों पर उगने वाले सैक को क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया ठीक है कार्टिकोलस टेरिकोलस सेक्सिकोलस, ठीक है मैंने आपको बताया, तो कह रहा है कि चट्टानों पर जो उगते हैं उसे क्या कहते हैं, कह रहा है सेक्सिकोलस कहते हैं कि कार्टिकोलस कहते हैं टेरिकोलस कहते हैं कि कार्पोफिलस कहते हैं, ये तो उत्सर्जी पदार्थ पर उग गया तो उसे कहते हैं कार्पोफिलस, ठीक है, और सेक्सिकोलस क्या होता है जब इस पर उग जाए वो चट्टानों पर उग जाए तब उसे हम क्या कहते हैं सेक्सिकोलस कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर, इसका जो सही उत्तर है वह क्या है ए, अगर बार्क ऑफ ट्री पर उग गया तब उसे कहेंगे हम कार्टिकोलस, क्या कहेंगे बार्क ऑफ ट्री यानी पेड़ की छाल पर उगा, पेड़ की छाल पर अगर उगा तो उसे हम क्या कहेंगे कार्टिकोलस कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्त कार्टिकोलस, अगर अर्थ क्रस्ट पर उग गया, किस पर अर्थ क्रस्ट पर अगर उगा तो उसे हम क्या कहेंगे टेरिकोलस कहेंगे, और ये उत्सर्जी पदार्थ पर उगा तो उसे कहेंगे कार्पोफिलस कहेंगे, ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, चट्टानों पर उगने वाले शैवाल हैं, ठीक है जिसे सेक्सिकोलस कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है सैक मतलब लाइकेन साधारणतया निम्न स्थानों में नहीं पाए जाते हैं, लाइकेन कह रहा है कि कहां नहीं पाए जाते हैं, साधारणतया निम्न स्थानों पर नहीं पाए जाते, तो कहां नहीं पाया जाता लाइकेन उसको भी देख लिया जाए, कह रहा है प्रदूषित शहरों में अनावृत चट्टानों पर पहाड़ियों पर वन के पेड़ों की छालों पर, छालों पर भी मिलेगा चट्टानों पर भी मिलेगा और पहाड़ियों पर भी मिलेगा, प्रदूषित शहरों में नहीं मिलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया पॉल्यूटेड सिटीज, लाइकेन आर नॉट नॉर्मली फाउंड इन पॉल्यूटेड सिटीज, इसका राइट आंसर हो गया। देखिए क्यों, क्योंकि यह जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड या वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, जहां की वायु प्रदूषित होती है वहां पर लाइकेन क्या होते हैं मुरझा जाते हैं और ये डेड होने लगते हैं, ठीक है तो इस कारण से ये कहां नहीं पाए जाएंगे, अगर कहीं शहर में प्रदूषण है वहां पर तो ये वहां पर नहीं पाए जाएंगे मेरे दोस्त, वहां पर नहीं पाए जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो गया क्या पॉल्यूटेड सिटी। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए प्रश्न नंबर 10 कह रहा है परमेलिया लाइकेन संबंधित है, परमेलिया लाइकेन किस से संबंधित है, ठीक है अभी मैंने पीपीपी तीन पी की बात किया था, परमेलिया पेल्टीगेरा, ठीक है फाइसेलिया तीनों पी की बात किया था, मतलब इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है पत्ती नुमा होती है, ठीक है और इसे अलग करने पर सबस्टेट से पूरा का पूरा ये क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट के अंदाज में बिल्कुल कमेंट करते रहिए, ठीक है कमेंट करते रहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा परमेलिया तो पीपीपी मैंने बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोलियोज लाइकेन, किस प्रकार का है ये फोलियोज लाइकेन इज द राइट आंसर, और कि हम क्या बात करें दोस्त, ठीक है फोलियोज मैंने पीपीपी बताया था, फाइसेलिया परमेलिया पेल्टीगेरा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से लाइकेन के प्रकार हैं, निम्नलिखित में से कौन से लाइकेन के प्रकार हैं, ऐसा पूछ रहा कौन लाइकेन का प्रकार है, ठीक है कह रहा पर्णिल नहीं हिंदी नहीं देखेंगे इंग्लिश देखेंगे, ठीक है कह रहा फोलियोज हां है फ्रक्टिकोज हां है और क्रस्टोज हां है और आल ऑफ दीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आल ऑफ दीज, अर्थात डी इज द राइट आंसर आल ऑफ दीज, ठीक है दोस्त 11 का कौन सा उत्तर सही है डी नंबर क्रस्टोज फोलियोज और फ्रक्टिकोज, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है उसको भी देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर एक दर्जन वाला, ठीक है एक दर्जन वाला मतलब 12 नंबर क्वेश्चन आ गया कह रहा है परपटीमस अर्थात क्रस्टोज फोलियोज और फ्रक्टिकोज किन पौधों के समूह में आते हैं, फिर से वही घुमा करके कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, ठीक है लेकिन बात तो हुई कान पकड़ने की, प्रश्न वही पूछ रहा है घुमा के थोड़ा सा, तो आप भी घुमा के बता दीजिए क्या है इसका राइट आंसर, कह रहा है क्रस्टोज फोलियोज आप जान रहे कवक तो नहीं है शैवाल भी नहीं है माइकोप्लाज्मा भी नहीं है तो बचा कौन सैक लाइकेन, ठीक है बिल्कुल फटाफट, और आप लोगों के जो कमेंट आते हैं मैं उससे मेरा भी उत्साह बढ़ जाता है मनोबल बढ़ जाता है, और संख्या अगर बढ़ा दिए तो मेरा मनोबल तो सातवें आसमान पर होगा, लेकिन हम आसमान पर नहीं होंगे दोस्त, ठीक है ईश्वर ना करे कि आसमान में हो, ठीक है
चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, लाइकेन। लाइकेन का प्रकार है क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रक्टियोज। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है, अगले प्रश्न की भी हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, कह रहा है लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है। लाइकेन में जो श्वसन में मदद करती है वह संरचना क्या है, लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना। कह रहा है आइसीडियम, सोरिडियम, साइफेली और सिफेलोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने बात किया, अभी शुरू में ही मैंने बात किया, इसका राइट आंसर क्या होगा, साइफेली। साइफेली एनालॉगस टू इस्टोमेटा ऑफ द हायर प्लांट। जो साइफेली है लाइकेन में पाई जाती है वो इस्टोमेटा की एनालॉगस होती है और ये गैसी यानी एक्सचेंज ऑफ गैसियस यानी गैसों के विनिमय में ये मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइफेली अर्थात डी इज द राइट आंसर। 13 का कौन सा नंबर सही है, डी नंबर इज द राइट। चलिए अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी तरफ भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है सैक में मतलब इन लाइकेन्स सोरिडियम, सिफेलोडियम और आइसीडियम आर मोड ऑफ। ठीक है, कह रहा सोरिडियम, सिफेलोडियम और आइसीडियम साधन है, किसके साधन है। देखिए हम आपको बता दें, आप कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि आप लोग इस पर विवादित कमेंट करते हैं कि सर इसका उत्तर ये नहीं ये होगा। हम आपको बता दें उत्तर तो होगा भाई, हम भी जानते हैं कि उत्तर यही होना चाहिए, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि विवादित जब प्रश्न आ जाते हैं तो जो आयोग उत्तर देता है आयोग के अनुसार जो उत्तर मान लिया गया है ना और सही कर दिया गया तो आपको मुहर तो उसी पर लगानी, फिर दोबारा पूछेगा तो जो उसने मुहर पहली बार लगाया था वही दोबारा फिर से लगाएगा, तो आपको भी वही करना है। देखिए अब यहाँ पर देखिए झामताम है थोड़ा सा, मैं जानता हूँ कि आपका कमेंट जरूर आएगा लेकिन अभी बता दे रहे हैं। ठीक, फिर आपकी मर्जी भाई, कैसा भी आप कमेंट करिए। सेकंड जो सोरिडियम होता है, सिफेलोडियम और इसीडियम। ठीक है, तो कुमार मलिक की बुक में इन तीनों को बता रखा है कि ये किसका जो है किसके साधन है, मोड ऑफ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दे रखा है कुमार मलिक में जानते, लेकिन इसका जो आयोग ने उत्तर बना रखा है, जो आयोग बना दिया है वो बना दिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन का, अलैंगिक प्रजनन का बना दिया दोस्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, हमारे अनुसार नहीं दोस्त, हम आपको बता दें मैं भी चाहता हूं कि जब ये लिख रखा है तो भाई ये क्यों होना चाहिए, अब आप लोग भी अपने सुझाव दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है लाइकेन्स में साइफेली समानार्थी भाग होता है, पूछ लिया ना लाइकेन में समानार्थी भाग पूछ लिया, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम भी हो गई, देख लिया जाए कहां से गड़बड़ हुई लाइट। ठीक है, तो लाइट कुछ ऐसा नौटंकी कर रही है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग घबराइए नहीं लाइट। ठीक है, चलिए कह रहा लाइकेन में साइफेली समानार्थी है, किसका समानार्थी है, कह रहा इस्टोमेटा का है, पैलिसेट टिशू का है। यार हम कहते हैं कि हम इधर उधर की बात करें, साइफेली क्या है, संरचना है एक एनालॉगस टू इस्टोमेटा ऑफ द हायर प्लांट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर तो फटाफट के अंदाज में बिल्कुल इसी तरीके जैसे आप दे रहे हैं इसी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है सैक में एस्कोमेटा शब्द संबंधित है, एस्कोमेटा शब्द किससे संबंधित है, ऐसा कह रहा है 16 नंबर का क्वेश्चन, तो फटाक से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एस्कोमेटा, एस्कोमेटा जो शब्द है किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, जी बिल्कुल हाँ, कुछ लोगों के तो भाई मिस्टेक हो जा रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, मैक्सिमम लोगों का सही उत्तर है अर्थात इसका राइट आंसर क्या है, एस्कोकार्प इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर कुछ लोगों के। और जो लोग इस पर विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं, अगर विवाद है तो विथ प्रूफ आप कमेंट कर सकते हैं, विथ प्रूफ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 17 नंबर क्या कह रहा है उसको भी देखा जाए। कह रहा है हेलोटिज्म आ गया ना, हेलोटिज्म हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस, ठीक है आ गया, ये किससे कह रहा है, घटना प्रदर्शित करता है, हेलोटिज्म की घटना कौन प्रदर्शित करता है इसमें से। ठीक है, दुल्हा और दुल्हन वाला घटना अभी मैंने बताया था ना, तो कह रहा है विषाणु, जीवाणु और लाइकेन और माइकोप्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल बहुत ही अच्छा, सुपर, सुपर से भी ऊपर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, लाइकेन, लाइकेन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ भी बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 बिल्कुल बहुत ही शानदार, थोड़ा और जोर लगा दीजिए भाई, थोड़ा और जोर लगा दीजिए, वाह मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है,
थोड़ा सा और जोर लगा दीजिए, ठीक है। ओके ओके, देखिए कह रहा है सैक एक अच्छे सूचक हैं, लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर, लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ, किसके अच्छे सूचक हैं लाइकेन। कह रहा वाटर पॉल्यूशन तो नहीं, नॉइस पॉल्यूशन नहीं, ऑल ऑफ दिस नहीं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा एयर पॉल्यूशन हाँ, ये किसके अच्छे सूचक हैं, वायु प्रदूषण के हैं, वायु प्रदूषण। और घुमा करके अगर पूछा तो कैसे पूछेगा, घुमाने वाले को भी देख लिया जाए, आखिर घुमा कर कैसे पूछेगा उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा हम भी घूम लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं, इनमें कौन SO2 के सर्वोत्तम यानी प्रदूषण के सूचक होते हैं। कह रहा ब्रायोफाइटर नहीं भाई, लाइकेन नहीं भाई, कह रहा फर्न नहीं भाई, तो कौन लाइकेन्स। लाइकेन मैंने बताया वायु प्रदूषण, वायु में भी कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 पॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और ये जहां प्रदूषण हो गया वहां ये मुरझा जाएंगे, अर्थात ये जो पॉल्यूटेड सिटी है वहां पर लाइकेन नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 अब हम खेल रहे हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है प्रदूषण के जैविक सूचक कौन है, प्रदूषण के जैविक सूचक कौन है, ठीक है। अर्थात कह रहा है बायो इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन आर, बायो इंडिकेटर कौन है प्रदूषण के, कुछ ऐसा घुमा दिया, घुमाया लेकिन कम बना घुमाते। अब इसका कह रहा है लाइकेंस मॉसिस नन ऑफ दीज एलगी, तो आपको लग रहा होगा तो बहुत सिंपल है भाई, ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहिएगा, इन्हीं प्रश्नों को आप तैयार करते रहिए, बिल्कुल सीमित प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 21 की बात करते हैं कि 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों की। मैंने बात मान ली भाई, हमारी भी थोड़ी बात मान लीजिए, आप लोगों ने कहा था कि थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, आज मैं क्वेश्चन भी बढ़ा दिया, थोड़ा सा लेक्चर भी छोटा सा बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो वह ये थोड़ा चेंजेस कैसा लगा जरूर बताते भी रहिए, ठीक है। कह रहा है रेंडर मास है, रेंडर मास कह रहा है क्या है, लाइकेन है कि सवाल है, टेडोफाइट है कि ब्रायोफाइट। जाहिर सी बात है, देखिए यहां पर थोड़ा रीजनिंग भी आप यूज कर दीजिए, चल रहा है चैप्टर चल रहा है लाइकेन, तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर क्या होना चाहिए, लाइकेन होना चाहिए। तो रेंडर मास किससे संबंधित है, लाइकेन से, ठीक है, किससे, लाइकेन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। लेकिन आपको परीक्षा के लिए तो याद करना ही पड़ेगा, वहां तो ऐसा है नहीं कि यही टॉपिक चल रहा है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है उसको भी देख लिया जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है राइंडर मॉस एक लाइकेन है जो मनुष्य के खाने में प्रयोग होता है, यह निम्न जीनस से संबंधित है, मतलब ऐसा कह रहा, थोड़ा और लंबा लंबा कर दिया, लंबा लंबा और घुमा दिया, गोल गोल घुमा दिया, ठीक है, बड़ा बड़ा कर दिया, मार लिख दिया क्या है कि जो है कि ये है कि वो है, पता नहीं बाद में चलता, कुछ नहीं है, बस वही छोटा सा प्रश्न था, ठीक है। तो उसी छोटा को देखना है, कह रहा रेंडर मास यहां कह देख रहा है, पकड़ लीजिए, रेंडर मास एक लाइकेन है जो मनुष्य खाने में प्रयोग होता है, किस जीनस से संबंधित है। कह रहा सिट्रेरिया आइसलैंडिका नहीं, वो नहीं, लोबेरिया पल्मोनेरिया वो नहीं है भैया, ये सब लोबेरिया ओबेरिया जो है किसमें हवन सामग्री में भी जो रामानीला है, इन सब का रामानीला है इनका सब, यूसनिया नहीं, क्लाइडोनिया, ये क्या है यहाँ पर, क्लाइडोनिया, क्लाइडोनिया हम आपको बता दें इसका राइट आंसर है, क्लाइडोनिया इज द राइट आंसर दिया, ठीक है। क्लाइडोनिया रेंगी फेरिना, क्लाइडोनिया रेंगी फेरिना, ठीक है, रेंगी फेरिना इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया क्लाइडोनिया रेंगी फेरिना, कौन सा, राइंडर मॉस, ठीक है, भालू वाला मांस। चलिए अगला अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए, प्रश्न नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में कौन नुकसानदायक सहायक है। हाँ, थोड़ा मजेदार बात किया, कह रहा है कौन सा नुकसानदायक सहायक है, कौन सा हार्मफुल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल लाइकेन, कौन सा हार्मफुल लाइकेन है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है एम्बिलिकेरिया, क्लाइडोनिया नहीं, यूसनिया नहीं, अम्बिलिकेरिया और लिथेरिया, लिथेरिया इसमें से कौन सा सही है, बिल्कुल बिल्कुल कौन सा सही है, इसका राइट आंसर है सी ही है, ठीक है, कौन सा, लिथेरिया इज द राइट आंसर। लिथेरिया यह कैसा है, नुकसानदायक लाइकेन है, इसको आप नहीं भूलिएगा, ठीक है, ल से लाइकेन, ल से लिथेरिया, ठीक है। लाइकेन ले ली जान, ले ली जान, क्या ले ली जान, मतलब देखिए हम आपको बता दें, ले से लिथेरिया, ला से लाइकेन, लिथेरिया लाइकेन क्या करता है, जान ले लेगा, मतलब नुकसानदायक है, ठीक है। चलिए अगला अगला प्रश्न है 24 नंबर का। 24 नंबर कह रहा है कि लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। कह रहा है सवाल से नहीं, कवक से नहीं, काई से नहीं, कह रहा है लाइकेन से। लिटमस नेचुरल डाई ऑब्टेंड फ्रॉम किससे, इसका तो आप जानते हैं कि यह वनडे में भी एक दूसरी परीक्षाओं में भी बहुत ज्यादा बार आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइकेन। और कौन सी प्रजाति होती है, रोसेला, क्या होती है दोस्त, रोसेला से प्राप्त होती है। देख रहे हैं आप कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला जो
क्वेश्चन कह रहा है, अगले प्रश्न की भी हम बात कर लेते हैं। 25 नंबर कह रहा है, डॉग लाइकेन किसका सामान्य नाम है, डॉग लाइकेन किसका सामान्य नाम है, ठीक है, ऐसा कह रहा है। 25 नंबर का डॉग लाइकेन कह रहा है कौन सा है, इसमें कुत्ता वाला लाइकेन कह रहा है, क्लाइडोनिया, पेल्टीगेरा, सिट्रेरिया और रोसेला, ठीक है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, अभी तो आपने राइंडर मास देखा था, ठीक है, क्लाइडोनिया रैंगी फेरना, सिट्रेरिया इसलैंडिका तो है नहीं भाई, पर पेल्टीगेरा, पेल्टीगेरा रोसेला, रोसेला से तो क्या होता है, इससे लिटमस ऑब्टेंड होता है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, पेल्टीगेरा इज द राइट आंसर। बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही है, ताबड़तोड़ है। ठीक है, तो आज ये जो भी 25 क्वेश्चंस हम लेकर आए, थोड़ा सा एक आपके लिए लेक्चर भी ले आया, तो आपको ये लेक्चर दोस्त हम आपको बता दें कैसा लगा, आज फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, आज फीडबैक जरूर दीजिएगा, तो अगले लेक्चर में और मजेदार होने वाला है, और विथ मजेदार ट्रिक, मैनी मैनी ट्रिक्स। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर बस यहीं तक, ओके, थैंक यू।